न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जो कि टीम इंडिया के हाथ से निकल गया। आज क्राइस्टचर्च में मुकाबला खेला गया लेकिन बारिश की वजह से यह मैच धुल गया। अगर नहीं भी धुलता तो शायद न्यूजीलैंड की टीम हमें धो देती, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। मात्र उनको 116 रन चाहिए थे, 32 ओवर में चेज करना था और 9 विकेट सुरक्षित थे। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी हाल में आप कहते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम किसी भी सिचुएशन से इस मैच को जीत सकती थी, लेकिन बारिश आने की वजह से जो आंकड़े हैं उसकी नजर से 1-0 से हम सीरीज गंवा गए हैं। एंड जहां पर 2-0 हो सकता था वहां पर हम ऑफिशियली 1-0 से हमने सीरीज गंवाई है। लेकिन उसके बाद शिखर धवन जो कि टीम इंडिया के कप्तान इस समय ओडीआई फॉर्मेट के और पर्टिकुलरली इस सीरीज में, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों को बल्लेबाजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में किस तरीके से गेंदबाजी करनी है, किस सिचुएशन में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे नए लड़के हैं, एकदम नया यूनिट है, लेकिन गेंदबाजों को समझना पड़ेगा कि किस लेंथ पर न्यूजीलैंड में गेंदबाजी करनी थी। हम बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गए थे, यानी कि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंदबाजी कर रहे थे। बैकफुट पर जाकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, तो हमारे गेंदबाजों को समझना पड़ेगा कि अगर गेंद स्विंग हो रही है तो ऊपर ऊपर गेंदबाजी कराएं। बल्लेबाजों को लेकर उन्होंने कहा कि शरीर के नजदीक आकर आपको शॉट खेलने की जरूरत है, ना कि शरीर से दूर खेलने की जरूरत है। हालांकि बहुत ज्यादा इस तरीके के शॉट्स धवन खुद ही खेले और इस सीरीज में धवन का परफॉर्मेंस उस तरीके से अच्छा नहीं रहा। तो उम्मीद करते हैं कि शिखर धवन ने जो बातें कही हैं, यू नो बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ दिस स्क्वाड, बहुत सारे लड़के इस बात को ग्रैब करेंगे, समझेंगे कि भाई शरीर के नजदीक जाकर शॉट खेलना है और गेंदबाजों के लिए कि ज्यादा शॉट गेंदें नहीं करनी है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात शिखर धवन ने की है, उन्होंने कहा कि देखिए अब T20 वर्ल्ड कप तो गया, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप आने वाला है और भारत में ही होगा, तो उस लिहाज से देखें तो बांग्लादेश का जो सीरीज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर वर्ल्ड कप होना है, यानी कि हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप होना है, बिल्कुल उसी तरीके की विकेट आप कहेंगे सब कॉन्टिनेंट में हर देश में आपको देखने को मिलेगी। तो इस लिहाज से देखें तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बांग्लादेश में जाकर परफॉर्म करना, जो कि टीम इंडिया करके दिखाएगी। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में टीम इंडिया के लिए बांग्लादेश का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2015 के बाद पहली बार हम जा रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है ये भी एक जस्ट अनदर सीरीज की तरह है? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप सहमत है शिखर धवन की बातों से गेंदबाजों के बारे में जो उन्होंने कही है, बल्लेबाजों को जो उन्होंने नसीहत दी है? अगर सहमत है तो यस, अगर नहीं है तो नो, जरूर कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। दोस्तों शेयर भी कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा।